हॉरिजॉन्टल कीपर पिन है, ये ऊपर ऐसे रहेगी और ये ऐसे टिकी रहेगी, अगर ये निकल गई तो ये भी निकल जाएगी, इसीलिए इसको निकलने से सेफ्टी के लिए हम दो स्प्लिट पिन इसमें लगाते हैं, डबल सेफ्टी, दोनों के अंदर एक ही करते, लेकिन इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रिकल के अंदर दो होल वाली पिन होती है, होल वाली पिन कीपर पिन में दो होल होते हैं, ये दो होल वाली तो चेंज करेंगे उसको, तो अगर ये स्प्लिट पिन खराब हो जाती है या टूट जाती है तो आप इसको बदलो, अगर ये कीपर पिन खराब हो जाती है तो इसको बदलो, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी है, ये सैंडविच रबड़ पैड है, फटाफटा नहीं होना चाहिए, ये टीएम का ट्रांसम लाइनर हो, लाइनर ये ब्रैकेट का, ये ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है, ठीक है, तो ये भी टूटा फूटा निकला हुआ नहीं रहना चाहिए, ये भी वेरिंग प्लेट है, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कई बार कैन वेल्डिंग टूट देते ये बाहर निकल जाती है, नॉच पैड और टीएम के जो ब्रैकेट है उनके बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, झटके ज्यादा लगेंगे और ब्रैकेट को भी वो तोड़ सकती है, इसीलिए इसका एक क्लियरेंस रखा है कि 6 mm से मैक्सिमम 6 mm से अधिक हमें ये क्लियरेंस नहीं रखना है, कितना 6 mm से अधिक ये क्लियरेंस हमें नहीं रखना है। फिलर गेज से हम मेजर करते हैं बॉटम क्लियरेंस, बॉटम साइड से मेजर कर लो, या ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये क्लियरेंस मेजर कर ले तो 6 mm से अधिक हमें नहीं रखना है, अगर ज्यादा होगा तो फिर ये झटके ज्यादा लगेंगे और ब्रैकेटों को तोड़ सकती है, ठीक है।